ये बात पत्थर भी तिर गए उस राम के नाम से, सुना है मैंने, पत्थर भी तिर गए उस राम के नाम से, विष भी अमृत हो गए उस घनश्याम के नाम से। और छोटी सी जिंदगी में है ये अनुभव मेरा, छोटी सी जिंदगी में है ये अनुभव मेरा, क्या संभव भी संभव हो गए पद्मावती नाम के। अच्छा देखिए, भक्ति आपने खूब सारी देखी है, और भक्ति में हमेशा कोई कोई भी होता है, हम भक्त भी होते हैं तो हम सिर्फ मैया को बुलाते हैं, पर मैया ऐसे नहीं आती है।
लगेगा आज।
है ना, जिनके चेहरे पर उदासी श्रृंगार करती है ना, उनके चेहरे पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखना, अरे खुशी बनाई है, दोनों हाथ उठे सभी के। अब रिदम की आवाज नहीं आएगी, अब बड़ौत की आवाज आएगी। दोनों हाथ उठे, आप सभी को आता है भजन, दोनों हाथ उठे। आपको पता इससे क्या लग रहा है पीछे वालों, एक मिनट, कि महिलाएं कल भी भारी थी और आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी थे और आज भी आभारी है। अरे इतने सारे लोग यहाँ पर पुरुष ही पुरुष बैठे हैं, फिर भी मुझे महिला की आवाज आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा कॉम्पिटिशन रख के देखेंगे एक बार। हाँ चलिए, पहले किसकी बारी? अच्छा लेडीज फर्स्ट, ठीक है, पीछे से भी। टू थ्री राजू के साथ। एक मिनट, मुझे ना आपकी आवाज ऐसी लग रही है कि सिर्फ हम तक भी नहीं आ रही, तो मैया तक कैसे पहुंचेगी? बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन है, आप देखते हैं ये लोग जीतते कि नहीं। वन टू थ्री फोर। जज्बात की गरबा हो तो हर आंख रोती। ये जज्बात की बात
समझ आए तो तालियों से साथ देना। ये चांद जो है, ये चांद किसके बिना अधूरा है? किसके बिना अधूरा है? हाँ, रात के बिना अधूरा है ना, रात के बिना। तो माँ से क्या बोलना है कि माँ जैसे चांद बिना रात ना मुमकिन है, जैसे चांद बिना रात ना मुमकिन है। Thank you.
मिनट एक बात बोलूंगा आप बातें मत कीजिए सुनिए ध्यान से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुना रहा हूं सुनील भैया जब कल यहां बारिश आ रही थी तो मैंने आप बात नहीं मानेंगे मैंने दिन में ही से बोल दिया था कि ऐसा ना हो कि आज का प्रोग्राम कैंसिल करके कल करना पड़े अब मेरी जुबान पे सरस्वती उस टाइम पर बैठ गई क्या हुआ सुनील भैया शाम में मेरे पास आए और बोले कि आज प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा तो मैंने सोचा कि यार अपने इतनी अपनी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं और हम छोटी छोटी चीजों को रोते रहते हैं पर एक चीज है कि कुछ भी हो जाए मेरी माँ के दरबार की भक्ति कभी बंद नहीं हो सकती ये बात मानते आ रही इसलिए मैंने ये चीज बोली है क्या सुनना पढ़ लग रही है इसलिए
दुश्मनों को भी क्षमा कर देते सॉन्ग पे आज 10 मिलियन व्यूज हैं। सिर्फ
साधना मंदिर में मूरत की वो पूजा किस काम की है जब किसी अपने के घर रोटी नशा
बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर लेखनी और बहुत सुंदर भजनों की माला प्रस्तुत कर रहे हैं ऋषभ संभव। लेकिन आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपकी तालियों के लिए। ऐसी ही कुछ रचनाएं और आपके बीच सुनाएंगे ऋषभ संभव, उसके बाद सुनेंगे हम पंजाब की वो बुलंद आवाज गिन्नी कौर हमारे बीच आ चुकी हैं और बीच में बहुत सुंदर झांकी एक दो भजन के बाद हम आपको दिखवाते हैं। और इसी के साथ साथ एक भजन और सुनाता हूँ जी, आप ही चलो दीजिए। हाँ जी, हमें जैन कहलाना है, बिल्कुल मैं कहलवाऊंगा और सभी को जैन, पर उससे पहले आप मेरा साथ देना, ठीक है? अच्छा, ये तो हम लोग पिछली बार सुना कर गए, हमको अगली बार भी आना है और हमको हर बार नए नए भजनों के साथ आएंगे, नए नए गाने को साथ में आएंगे। अभी आप सबको पता है किसका डेवलप हुआ है, तरुण सागर जी का। मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं रियाज करने बैठा था और सडनली मेरे माइंड में ये थॉट आया और उस वक्त तरुण सागर जी का देवलोक भी हुआ था कि आजकल जब भी हम मंदिर जाते हैं मंदिर में प्रभु से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या तो घर की बातें कर लो कि भगवान मेरे घर पे ये ऐसा है उसको बदल दो, भगवान मेरे को पैसा दिला दो, भगवान मेरे को कार दिला दो, भगवान मेरे को बंगला दिला दो। पर मैंने जब ये लिखा था तो मेरे मन में बस एक ही भावना, आपको दिल से बोल रहा हूँ कि हे प्रभु जब भी मेरा अंतिम समय हो मेरे दिल में बस वही की बात चले कि मैं दोबारा से जैन बन जाऊं, मैं फिर से जैन बन जाऊं। और ये चीज मैंने तरुण सागर जी को सोच के लिखी और अब तरुण सागर जी आप लोगों को क्या बोल रहे हो और आपको भी प्रभु से क्या बोलना है सुनना। मेरे लिए इतनी सी तुम दिल से दुआ करना, अगर समझ आए तो साथ में जरूर ना। मेरे लिए इतनी सी तुम दिल से दुआ करना, जाऊं जब मैं इस दुनिया से प्रभु से ये कहना, बनूं मैं चैन दोबारा मिले जिन घर में दोबारा, बनूं मैं चैन दोबारा मिले जिन घर में दोबारा, याद कीजिए वो अंतिम समय कैसा होगा आप लोगों का।
सुनना दिल से अगर सुनेंगे तो आंखों में से आंसू आ जाएंगे ये प्रभु जब सांसें मेरी बंद हो जाएगी जब आंखें मेरी थक के सो जाएगी क्या
ये पात्र तीन रंग का कपड़ा नहीं, ये मेरे देश की आन बान शान है, जिसके लिए देश के नौजवान और हमारी सेना सदैव रक्षा करती है, तत्पर रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आइटम के लिए, अच्छी लगी आइटम। इस स्थान पर लोहिया बाजार में कौन सी तारीख और कौन से सन में हुआ था? मैं तो आयोजकों को भी कह रहा हूं जिन्होंने करवाया था। जो जी हाँ, 20 साल तो घटा लो, वो तो एवरेज आ जाएगी। मैं तारीख भी पूछ रहा हूं। पता है बेटा, अगर उत्तर गलत हो मोबाइल ले लूंगा तुम्हारा मैं, ठीक है? 1998 24 सितंबर। हाँ जी, आयोजक को बताओ जवाब तो इनका कंफर्म लॉक कर दूं, अगर गलत हुआ कल वापस ले लूंगा पक्का। 24 सितंबर 1998 98 99 100 18 3 21 तो गलत हो गया भाई, 20वां जागरण है बेटे। फरमाइश है इसलिए थोड़ी थोड़ी सुना रहा हूँ, अब आप लोग बैठ जाइए। एक फरमाइश आई थी मेरे पास, मैंने आज दिन में ही सोच लिया था ये भजन मैं यहाँ पर पक्का सुनाकर जाने वाला हूँ, और उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। शीश आप लगा दीजिए, देखिए सब बैठ जाइए, आप लोगों की फरमाइश सुना रहे हैं, अब प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। और हिस्ट्री तो पता है हम लोगों का, पहला भजन था जो हम लोगों ने कंपोज करा था और हम लोगों ने लिखा था और ये यूट्यूब पर डाला था, और रविंद्र जैन साहब के पास लेकर गए थे तो उनसे मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था, सभी को पता है मैं बता के गया था पिछली बार। सुनेगा नासिक, नासिक सुनिएगा। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, पहले बात बंद कीजिए उसके बाद बोलता हूँ, कि बड़ौद में आया मुझे हर चीज अच्छी लगी, अब इस बात पे आपको बुरा लगे या भला लगे, मेरे दिल की बातें मैं बोलना चाहूंगा। बड़ौद में आया, आप लोग अपने हो, देखो अपनों से हर चीज, धरती अंबर चांद सितारे जो है वो है सारे तुम्हारे, फिर किस बात का भेदभाव है, क्यों इंसान ही इंसान के खिलाफ है, और छोड़ जगत की दुनिया दारी खुद पे जरा सा ध्यान दे, अरे औरों को समझाने से पहले खुद को थोड़ा ज्ञान। हर बार मैं बोलता हूँ छोड़ दिगंबर श्वेतांबर, पर मैं इस बार बोलूंगा कि आप जितने भी लोग हैं दिगंबर और श्वेतांबर हो, एक हो जाना अपना। और क्या बोलना है? छोड़ दिगंबर श्वेतांबर बस हमें जैन कहलाना है, जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है, छोड़ दिगंबर श्वेतांबर बस हमें जैन कहलाना है, जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है, वीर की वाणी सुनकर उसको जीवन में अपनाना है, जियो संदेश को, अहिंसा परमो धर्म के
भी सुन सकते हैं, यहाँ पर आपको झलक मिलेगा। जी साहब, देखिए लास्ट टाइम हम लोग बेटियों पे सुनाते गए थे, इस बार बेटों पे बना कर लाए हैं। और बेटों पे शायद किसी ने नहीं सुनाया होगा, आपको सुना है कभी बेटों पर? हाँ, हम लोगों ने लास्ट टाइम माँ पे सुनाया था, जो अलका जी के साथ में आपको YouTube पे मिल जाएगा। जिसने नहीं सुना है, हम लोगों ने अलका जी के साथ में गाया है माँ। और पापा भी हम लोगों का रिलीज हो चुका है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है पापा। बेटियां सुना कर गए थे, बेटियां भी हम लोग जल्दी रिलीज करेंगे, और बेटा भी रिलीज करने के पहले हम लोग आपको सुना रहे हैं। जी साहब भी लगाना। देखिए सही में हम लोगों ने जो देखा है कि बेटा क्या होता है, वो हम लोगों ने लिखा है। उसके पहले कुछ लाइन्स में माँ पर बोलता हूँ, क्योंकि बेटा कुछ भी नहीं है अगर माँ नहीं है। कि जब आँख खुली तो माँ की गोदी का एक सहारा था, जब आँख खुली तो माँ की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको दुनिया से भी प्यारा था। जब आँख खुली तो माँ की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको दुनिया से भी प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देखकर चेहरा फूलों सा खिलता था, अरे उसका चेहरा देखकर मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से प्रहार किया, हाथों से बालों को नोचा, पैरों से प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने हमको जी भर के पुचकारा और प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आपका तारा कहती थी। मैं उसका राजा बेटा था, वो आपका तारा कहती थी। मैं बनू बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। सुनिए सुनिए सुनिए। जब बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जब बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को दे आया। जब बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को दे आया। शादी के बाद जब बाप बना तो अपने ही रिश्तों में झूल गया, शादी के बाद जब बाप बना तो अपने ही रिश्तों में झूल गया। अरे अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता भूल गया, अब करवा चौथ माँ का मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ बेटे का सुनाता हूँ आपको। अब इसका आप पहले थॉट समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी यंग जनरेशन बैठी है, मैं किसी के भी अगेंस्ट में नहीं बोल रहा और किसी के भी फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज की दुनिया में ये होते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको बताऊँ। भैया जी साहब थॉट चलने दीजिए। आज की दुनिया में मैंने ये होते हुए देखा है, बहुत सारे घर में ऐसा होता है, हम लोग माता के गुण गाते हैं, हम लोग पिता के गुण गाते हैं, हम लोग बेटी के गुण गाते हैं, बेटा कहाँ रह जाता है? हमेशा बेटा कहीं रह जाता है। और कभी भजन भी बनता है तो गीत ऐसा होता है कि माता पिता हमेशा सही होते हैं, बस बेटा ही धोखा देता है माता पिता को। आपको लगता है या नहीं कि आप कोई सा भी भजन सुन लो उसमें यही बोलेंगे कि बेटे ने धोखा दिया माता पिता को, बेटे ने दिया। पर बहुत जगह ऐसा भी होता है कि माता पिता भी कभी कभी गलत होते हैं। उस बेटे से तो पूछो कि वो बेटा कहाँ पर गलत है। ये रियलिटी, मैं आपको सिर्फ रियलिटी से रूबरू करा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा है। मैं सुना रहा हूँ, एक एक शब्द सुनना। जब लड़का घर में आता है, बिल्कुल डम्बर कर देना, तो खूब उम्मीदें लाता है। जब लड़का घर में आता है तो खूब उम्मीदें लाता है, हाँ उसका आने वाला कल बचपन में तय हो जाता है। हाँ उसका आने वाला कल बचपन में तय हो जाता। बेटा पैदा हुआ और पैदा होते से माता पिता ने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा। मैं बोल रहा हूँ जब लड़का घर में आता है तो खूब उम्मीदें लाता है, हाँ उसका आने वाला कल बचपन में तय हो जाता। अब सुना। क्या यही उसकी गलती है कि पैसे कम वो कमाता है? कई घरों में ऐसा भी होता है कि लड़के पैसे कम कमाते हैं तो माता पिता को अखरने लगते हैं, ये सीधी सी बात है। क्या यही उसकी गलती है कि पैसे कम वो कमाता है? जब शादी उसकी होती है वो दो हिस्सों में बट जाता है, उसकी शादी होती है वो दो हिस्सों में बट जाता है। इंसान है वो भगवान नहीं, हो, 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 हो। ये बात मैं उन पिता से बोल रहा हूँ जिनको कहीं ना कहीं उन पे खुद पे भी लगता है कि वो गलत कर रहा है। सुनना। वो बेटा तेरा है, तेरा बिना है, तेरा है, तेरा है। अगर माता पिता से बच्चा अलग होता है ना तो हमेशा हम बच्चे को बोलते हैं कि देखो ये बेटा अलग होता है। उसको भी लगता है बुरा जब दूर वो हो जाता है, मन ही मन में कितने आंसू रो ही बहाता है। सुना। माता पिता के लिए बोल रहा हूँ।
मात-पिता बनते बनते छोटी सी गलती कर बैठे सुना वो मन ही मन में रोता था कि क्यों तुम इतना बदल गए जब बेटा बड़ा होता है ना तो माता-पिता भी बदल जाते हैं सुनना माता-पिता बदल के क्या करते हैं उस बच्चे को किस चीज की जरूरत थी सुनना उसको जरूरत थी दोस्त की दूर रहने के बाद वो तुमसे अब भी इतना प्यार करता वो तुमसे अभी इतना प्यार करता है दूर भले ही रहता है पर चिंता उतनी करता है एक हंसी के लिए तुम्हारी जा भी दे सकता है आखिरी की चार लाइन सुनाता हूँ आखिरी की चार लाइन सुनाता हूँ माता पिता कभी कभी ऐसा होता है कि खुद बच्चे को दूर कर देते हैं उसकी शादी होती है ना उसमें कमियां भाई इंसान में हर इंसान में कमियां होती हैं आप उसके माता पिता हो जब बचपन में वो गलती करता था तो आप उसको साथ में रखते थे अब जब वो बड़ा हो गया तो अब क्यों नहीं साथ में रख सकते इसलिए क्या बोल रहा हूँ सुनना तुम दूर से खुद करते हो ये माता पिता के लिए बोल रहा हूँ फिर उसकी बुराई करते हो ये दुनिया की सच्चाई है तुम दूर से खुद करते हो फिर उसकी बुराई करते वो बट जाता है टुकड़ों में तुम इतना उससे लड़ते हो हाँ आखिर खून वो तेरा है हर शाम के बाद सवेरा जरा खुद पर रख कर देखो तुम पर क्या बीती सोचो जब आपकी शादी हुई थी क्या आपने आपके माता पिता के साथ ठीक व्यवहार किया था लड़ाई झगड़े हर घर में होते इसलिए बोल रहा हूँ जरा खुद पर रख कर देखो तुम पर बीती सोचो क्या तुम नहीं आप माता पिता को बोल रहा हूं मैं क्या वो बेटा तेरा अपना है वो बेटा तेरा अपना है दूर भले ही रहता है चिंता उतनी करता है एक हंसी के लिए तुम्हारी चाबी दे सकता है हमारे जितने भी कर्मठ कार्य करता है सब दिख गए हैं बिल्कुल दिया जो आज पूरे विश्व में जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी मिलकर के बहुत बहुत धन्यवाद